Hello everyone, welcome to EduFun Day. I am your mentor of physics and today we are going to start a new topic of unit and measurement which is combination of errors. तो errors को हम लोगों ने समझ लिया और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे combination of errors की. See, combination of error. सबसे पहले हम लोग बात करेंगे error due to addition, यानी कि addition के कारण होने वाली error. अज्यूम करते हैं कि z की वैल्यू a प्लस बी है और a एंड b आर द मिजर्ड वैल्यू. ठीक है, तो a प्लस बी दो मिजर्ड वैल्यू है, a और b, इन दोनों का सम जो है उसको z से रिप्रेजेंट कर दिया. एंड a में जो डेविएशन है, a की जो ओरिजिनल वैल्यू है, a प्लस माइनस डेल a है, यहाँ पर जो डेल a है ये a की वैल्यू में जो डेविएशन आया वो b प्लस माइनस डेल b, b की वैल्यू में डेविएशन. तो एरर ड्यू टू एडिशन अगर हम लोग देखेंगे तो डेल z जो हो जाएगा वो हो जाएगा डेल ए प्लस डेल बी, जो कि मैक्सिमम पॉसिबल एरर हो जाएगा. देखिए, डेल ए सिर्फ ए की वैल्यू में जो एरर है, डेल बी और डेल बी यानी कि बी की वैल्यू में जो एरर है, अगर हम लोग इन दोनों को जोड़ देंगे तो मैक्सिमम पॉसिबल एरर जो होगा वो कितना हो जाएगा, डेल ए प्लस डेल बी. सिमिलरली अगर जेड प्लस माइनस डेल जेड देखें, यानी कि मीन वैल्यू और एरर हम लोग अगर देखें, इन दोनों को एडिशन करें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए प्लस माइनस डेल ए प्लस बी प्लस माइनस डेल बी, जिसको हम लोग आगे अगर चाहें तो रिलेटिव एरर की फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, रिलेटिव एरर की फॉर्म में लिख सकते हैं डेल ए प्लस डेल बी अपॉन ए प्लस बी. क्यों? क्योंकि रिलेटिव एरर में हम लोगों ने क्या लिखा था, रिलेटिव एरर में था एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू. तो मीन एब्सोल्यूट एरर यहाँ पर कितनी है, डेल ए प्लस डेल बी, और मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू क्या है, ए प्लस बी. और अगर इसी कोई परसेंटेज एरर में हम लोग चेंज करना चाहे तो हम लोग डेल ए प्लस डेल बी अपॉन ए प्लस बी को मल्टीप्लाई विद 100, तो ये रिलेटिव एरर परसेंटेज एरर में कन्वर्ट हो जाएगी. नाउ एरर ड्यू टू सब्ट्रैक्शन. देखिए, जिस तरीके से हम लोगों ने एडिशन देखा, अब हम लोग सब्ट्रैक्शन देखेंगे. जहां पर तब हो गया कि ए और बी जो दो मिजर्ड वैल्यू है तो इनका सब्ट्रैक्शन ए माइनस बी जेड के इक्वल हो गया. तो यहाँ पर ए की वैल्यू ए प्लस माइनस डेल ए, बी की वैल्यू बी प्लस माइनस डेल बी है, तो डेल जेड हो जाएगा डेल ए प्लस डेल बी, जो कि मैक्सिमम पॉसिबल एरर होगा. तो z प्लस माइनस डेल z क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस माइनस डेल a माइनस b प्लस माइनस डेल b. और अगर इसकी हम लोग आगे इसको हम लोग देखेंगे तो वो हो जाएगा a माइनस b प्लस माइनस डेल a प्लस डेल b. तो प्लस माइनस डेल z की बेसिकली हम लोग वैल्यू क्या लिख सकते हैं, प्लस माइनस डेल z की वैल्यू इस बिहाफ पे होगी. देखिए, यहां से हम लोग क्या देखा कि z की जो वैल्यू थी वो a माइनस b के इक्वल थी. जब मैंने इसको रीअरेंज किया तो a माइनस b प्लस माइनस डेल ए प्लस माइनस डेल बी, यानी कि अगर मैं जेड प्लस माइनस डेल जेड से इसको कंपेयर करूं तो जेड की वैल्यू तो ए माइनस बी के इक्वल होगी, तो प्लस माइनस डेल जेड की वैल्यू हो गई प्लस माइनस डेल ए प्लस माइनस डेल बी. और अगर इसकी रिलेटिव एरर हम लोग लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, डेल ए प्लस डेल बी ए माइनस बी, क्योंकि सब्ट्रैक्शन है तो एब्सोल्यूट में एब्सोल्यूट मीन वैल्यू जो आएगी, प्रोबेबल वैल्यू जो आएगी वो ए माइनस बी आएगी. और अगर इसी को ही हम लोग रिप्रेजेंट करें परसेंटेज एरर में तो उसको मल्टीप्लाई विद 100 कर देंगे तो हमारे पास परसेंटेज एरर भी आ जाएगी. नाउ नेक्स्ट, वेदर इट इज द एडिशन और सब्ट्रैक्शन एब्सोल्यूट एरर इज सेम. और अगर मोर एडमिसिबल एरर हम लोगों को देखनी है तो डेल यू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस रूट डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल वाई स्क्वायर. इन सब्ट्रैक्शन द परसेंटेज एरर इंक्रीजेस, कि सब्ट्रैक्शन में परसेंटेज एरर जो है वो क्या होती है, हमेशा इंक्रीज होती है. क्यों? क्योंकि देखिए, जब हम लोगों ने रिलेटिव एरर निकाला तो उसमें डेल ए प्लस डेल बी अपॉन ए माइनस बी था. ए माइनस बी का मतलब कि जिस वैल्यू से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं वो वैल्यू छोटी है, वो वैल्यू छोटी यानी कि जो वैल्यू आएगी रिलेटिव एरर की वो बड़ी आएगी, यानी कि परसेंटेज एरर भी क्या आएगा, बड़ा आएगा, इंक्रीज होगा. नाउ एरर ड्यू टू मल्टीप्लीकेशन, यानी कि दो फिजिकल क्वांटिटीज जिनको मेजर किया है उनमें एरर आई है, अगर उनको मल्टीप्लाई हम लोग कर दें तो उनकी वैल्यू में क्या एरर आएगा वो अब हम लोग देखेंगे. ठीक है, z इक्वल्स टू ए बी, यानी कि अगर मान लो दो फिजिकल क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करने पे ए बी की वैल्यू z आई तो डेल z अपॉन z वो हो जाएगा डेल a अपॉन a प्लस डेल b अपॉन डेल b से. तो डेल z अपॉन z जो है ये, इसको हम लोग फ्रैक्शनल एरर और रिलेटिव एरर भी हम लोग बोल सकते हैं. तो यहाँ पर परसेंटेज एरर जो हो जाएगी वो हो जाएगी डेल z अपॉन z मल्टीप्लाई विद 100. अगर मैं डेल z अपॉन z की वैल्यू रखूँ तो वो हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल a अपॉन a इंटू 100 प्लस डेल b अपॉन b इंटू 100, यानी कि यहाँ से इस जगह से ये वैल्यू हम लोगों ने यहां पर पुट कर दी, यहां से ये वैल्यू उठा के यहां पर पुट कर दी.
ठीक है परसेंटेज एरर इज द सम ऑफ इंडिविजुअल परसेंटेज एरर, यानी कि हर एक इंडिविजुअल परसेंटेज एरर, पहले हम लोगों डेली अपॉन ए इंटू हंड्रेड इंडिविजुअल परसेंटेज एरर निकाली, डेली बी अपॉन बी इंटू हंड्रेड इसके इंडिविजुअल परसेंटेज एरर निकाली और इनका सम कर दिया, तो ओवरऑल परसेंटेज एरर हम लोगों के पास आ गई। नाउ ड्यू टू डिवाइड, ड्यू टू डिविजन जो एरर है अब हम लोग वो देखते हैं। मान लेते हैं कि जेड इक्वल टू ए अपॉन बी, ए और बी यहाँ पर दो मीजर्ड क्वांटिटीज है, तो मैक्सिमल पॉसिबल रिलेटिव एरर क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी डेल जेड अपॉन जेड इक्वल टू डेल ए अपॉन ए प्लस डेल बी अपॉन बी, ये है मैक्सिमम पॉसिबल रिलेटिव एरर। तो मैक्सिमम परसेंटेज एरर जो होगी वो क्या हो जाएगी इन डिविजन, वो हो जाएगी डेल ए अपॉन ए इंटू हंड्रेड प्लस डेल बी अपॉन बी इंटू हंड्रेड। अब हम लोग बात करेंगे एरर ड्यू टू पावर, यानी कि किसी भी वैल्यू पर पावर हो तो उसके कारण जो एरर होगी वो हम लोग देखेंगे। अगर यहाँ पर हम लोग अज्यूम करें जेड इक्वल्स टू ए एन और ए की वैल्यू ए प्लस माइनस डेल ए है, तो यहाँ पर डेल जेड अपॉन जेड हो जाएगा एन मल्टीप्लाई विद डेल ए अपॉन ए। और अगर इसकी मोस्ट जनरल फॉर्म हम लोग इसको कैसे देखते हैं, जेड इक्वल्स टू ए पी बी पी सी आर, तो इसमें पी जो है जो पावर है वो आगे आ जाएगी। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको देखिए, इस फॉर्म को हम लोग लिख सकते हैं जेड इज डेल जेड अपॉन जेड विच विल इक्वल्स टू पी डेल ए अपॉन ए प्लस क्यू डेल बी अपॉन बी प्लस आर डेल सी अपॉन सी। इस तरीके से हम लोग एरर ड्यू टू पावर की फॉर्म को एक्सपेंड करके लिखेंगे, ये हमें ध्यान रखना है। नाउ एज वी चेक फॉर मैक्सिमम एरर ए पॉजिटिव साइन इज टू बी टेकन फॉर द टर्म्स आर डेल सी अपॉन सी, कि हमें पता है कि मैक्सिमम एरर के लिए डेल सी अपॉन सी आर का भी हम लोगों ने क्या क्या पॉजिटिव साइन ही हम लोगों ने लिया है। मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन, अगर मैं इसका मैक्सिमम परसेंटेज एरर निकालूंगा तो हम लोग क्या करेंगे, इंडिविजुअल हर एक का मैक्सिमम परसेंटेज एरर इंडिविजुअल निकालेंगे और फिर उन सबका सम कर देंगे, लाइक पी डेल ए अपॉन ए इंटू हंड्रेड प्लस क्यू डेल बी अपॉन बी इंटू हंड्रेड प्लस आर डेल सी अपॉन सी इंटू हंड्रेड, और इन सबका सम कर देंगे तो हमारे पास मैक्सिमम परसेंटेज एरर आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एडुफंडे।